वैसे तो ये वीडियो जब तक आएगी तब तक तो ये मूवी हट भी गई होगी सिनेमा हॉल से, और इसकी जगह कोई नई मूवी आ भी गई होगी। क्या करूँ यार, काम ही ऐसा कुछ ऐसा है कि दूर दूर तक जाना पड़ता है, और वापस दिल्ली आके अपने रूम में वीडियो शूट करता हूँ। खैर, कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में जैसे तैसे अपनी वीडियो को जल्दी जल्दी शूट कर सकूँ अपने साथ। शायद सोच रहा हूँ कि कैमरा कैरी कर लूँ, ताकि वहीं मैं अपने जहाँ भी जाता हूँ तो जैसे भी टाइम मिले मैं अपना वीडियो शूट करके अपलोड कर सकूँ। खैर, सोच रहा हूँ इसके बारे में, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं बात करूंगा अभी जो फिलहाल मूवी रिलीज़ हुई थी, जय मम्मी दी। और जब मैं इस मूवी को देखने गया था तो मैंने यही सोचा था कि यार ये क्या है, मतलब क्यों बनाई है ये चीज़ें। बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट नहीं था इस मूवी के अंदर, ऐसे कुछ मुझे लगा नहीं कि हाँ ये अट्रैक्ट कर पा रही है मुझे। मैं अपनी ही बात करूंगा। देखो क्या होता है ना कि यार काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव रिव्यू या नेगेटिव कमेंट आते हैं मेरे ऊपर। कुछ एक टाइम पहले आया किसी का, तो वो एक किसी को पसंद नहीं आती है, मेरा रिव्यू पसंद नहीं आता है। क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि मूवी अच्छी है, किसी को बुरी लगती है, मैं कहता हूँ मूवी बुरी है तो किसी को अच्छी लगती है। देखो अपने अपने व्यू पॉइंट है, तो मूवी खुद अपने ऊपर जाके देखो। मेरा थोड़ा सा काम होता है कि मैं अपने व्यू पॉइंट दे सकूँ अपनी तरफ से, अगर देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो यार मत देखो, यार आपकी अपनी इच्छा है। जय मम्मी दी जिसे डायरेक्ट किया है नवजोत गुलाटी ने, और जिसके अंदर कास्ट है सन्नी सिंह, सोनाली सहगल, पूनम ढिलोन, सुप्रिया पाठक, कपूर। ओके, यही नाम है। मूवी की कहानी की बात करूँ तो एक सिंपल सी स्टोरी है कि एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार करते हैं, लेकिन उनकी मम्मी उनकी जो माँ है, एक दूसरे की लड़के की माँ और लड़की की माँ, एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब वो नफरत क्यों है, क्या है, ये बाद में लास्ट में पता चलती है मूवी के, लेकिन मुझे तो इतना कुछ क्लियर हो नहीं पाता कि क्या था क्या नहीं था। यही चीज़ मुझे थोड़ी सी तंग किया इस मूवी के अंदर। लेकिन आपको पता है कि प्यार मोहब्बत के ऊपर है, बॉलीवुड तो ये चीज़ें बनाते ही रहते हैं प्यार मोहब्बत के, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप एंडिंग में ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि यार कुछ ही अलग इंटरेस्टिंग होगा। यार ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं, आपको पता है कि लास्ट में लड़का लड़की प्यार करते हैं, आपस में शादी हो जाएगी, हैप्पी एंडिंग, वही घिसी पिटी जो चलती आ रही थी, वो भी आज के 2020 के टाइम में वो चल रही है, वो कंटिन्यू है यार, मुझे लगता है वो कंटिन्यू ही रहेगी। ये इनके इनमें कुछ बदलने वाला तो है नहीं। अब ये मत बोलना कि यार तुम तो प्यार को पसंद नहीं करते। अरे प्यार को पसंद करने की बात नहीं है, ये घिसी पिटी एंडिंग बहुत देख चुके हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ यार, कुछ अच्छा भी लगे, कुछ सीखने को भी मिले। ओ, सीखने के बाद से याद आया, इसमें आप सोच रहे हो कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छी नई चीज़ें बातें पता चलेगी, कुछ नहीं पता चलने वाला। एटलीस्ट अगर हम अपने रुपए देते हैं, 100-200 रुपये अगर किसी मूवी की टिकट खरीदने में हम लगाते हैं, तो इतनी तो उम्मीद करते हैं कि यार कुछ सीखने को ना मिले तो कुछ एंटरटेनमेंट तो मिले। ऐसा कुछ नहीं था इस मूवी के अंदर, एंटरटेनमेंट मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ गाने वही क्या है कि बॉलीवुड का यही सीन चलता आ रहा है, कुछ नया क्रिएटिविटी तो मुझे लगता है नहीं कि ये लेके आते हैं, बस वही घिसे पिटे सॉन्ग नहीं, वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, पंजाबी मूवी पंजाबी सॉन्ग है, वो सॉन्ग काफ़ी अच्छा है। बॉलीवुड बस यही करता है कि अपना दिमाग तो हमें खर्च करना है नहीं, उनको खर्च करना है नहीं, तो उन्होंने वो पंजाबी सॉन्ग जो है वो चका और सीधा कॉपीराइट उन्होंने जो भी था वो उसको साइन साइन करके अपने मूवी के अंदर डाल लिया। वो मूवी सॉन्ग का गोरा जया मुखड़ा मेरे मम्मी नु पसंद नहीं हो तू तेरा गोरा मुखड़ा, ऐसा कुछ करके वो गाना था, तो ये गाना पुराना था, इसको ऐसे डाल लिया। मतलब कुछ क्रिएटिविटी अगर देखने को मिले तो कुछ नहीं है यार, इससे बेटर तो मुझे लगता है कि साउथ मूवीज अच्छी हैं, कम से कम उनके अंदर एक्शन तो है, नई कहानी तो लेके आते हैं ना। अब कितना ही उनका मजाक उड़ा लो कि एक्शन को लेके, लेकिन उनकी कहानी आपको डिफरेंट ही मिलेगी। ना मूवी में स्टोरी है, ना मूवी में कोई इमोशन है, ना मूवी के अंदर कोई कॉमेडी है, तो मूवी देखें क्यों, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या होता है ना यार, कभी कभी ये मूवी रिव्यू करने के लिए ऐसी ऐसी मूवीज़ देखनी पड़ जाती हैं जो मन नहीं करता, फिर भी वो धक्के से वो देखनी पड़ती हैं। खैर क्या करें, दिल पे पत्थर रख के देख लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और बावजूद उसके भी इतना काम करता हूँ, इतना कष्ट सहता हूँ, और मूवी का रिव्यू मैं लेट कर रहा हूँ, कमाल है। मूवी की अगर एक्टिंग में की बात करूँ तो पूनम ढिल्लो और सुप्रिया पाठक कपूर ने जो एक्टिंग की है, एक ही नाम है सुप्रिया पाठक कपूर, एक ही नाम है, मैंने थोड़ा सा अलग अलग करके ले लिया, दो इन दोनों की एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है और आप सोच रहे हैं कि अगर ये मूवी नहीं हटी है, ये वीडियो अपलोड होने तक नहीं हटी है क्या, तो अगर आप सोच रहे हैं मूवी देख के आए, तो
मेरे हिसाब से देखो यार, अगर आपने मिस कर दी है, हट गई है, तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप सोचो कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी जो है आपने मिस कर दी हो, ऐसा कुछ है नहीं यार मूवी के अंदर। मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3 out of 10 star। मैं फिर से एंडिंग में यही बात बोलूँगा, देखो मेरा ओपिनियन है, मुझे मूवी नहीं पसंद आई, मुझे किसी सीन पे कोई इतनी हंसी नहीं, हंसी इतनी क्या, मुझे हंसी तक नहीं आई। बस वो मूवी देख ही रहा था, बस ऐसे बैठा बैठा, और कुछ इतना मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं उस मूवी के अंदर, बना नहीं पाया। देखो एक ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत बड़ा काम होता है, अगर वो नहीं कर पाते हो तो भैया ऑडियंस तो डिसअपॉइंट होएगी होएगी। तो मैं तो हुआ, मैं अपना ओपिनियन रखना हूँ, तो अब जिनको बोलना है तो बोल लो, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।